रेलवे के वेटिंग स्टूडेंट लगातार 3 दिन से अजमेर बोर्ड के NWR विजिट किए हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या डिमांड है, तो इनसे बात करते हैं। लगातार 3 दिन से परेशान हो रहे हैं और 3 साल से लगातार अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अजमेर बोर्ड की तरफ से 2 बार RRCB ने डिमांड मांगी, लेकिन 0-0 डिमांड भेजी गई है। इसके रिगार्डिंग लगातार कैंडिडेट 3 दिन से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आइए यहाँ NWR से तो किस बेस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे को यहाँ पे NWR में आज हमारा 3रा दिन है प्रोटेस्ट करते हुए, और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत वर्ष में सभी बोर्डों की रेटिंग करेंगे, और ये अजमेर बोर्ड में 2 बार डिमांड मांगी गई, लेकिन दोनों बार की रेटिंग रहेगी। और हमें पहले ही बताया था कि यहाँ से 4 साल में पोस्ट खाली हुई है, जो मिनिस्ट्री ने आगे जारी की है, तो ये हमारी रेटिंग सिलेक्टिंग नहीं करें। और हमारे को ये बताया गया है कि हमारे को चीफ मिनिस्टर से मिलाया गया था, लेकिन उनके जो आश्वासन है कंप्लीट नहीं है, और हम PM sir से मिलना चाहते हैं। PM sir से मिलने के बाद ही हम हमारा प्रोटेस्ट खत्म करेंगे, जब तक नहीं करेंगे कंटिन्यू हमारा लगातार प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और जो भी भाई जो अजमेर बोर्ड का है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ और यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट में साथ दो, और कोई जो अजमेर का भी नहीं है और राजस्थान का है, कोई दूसरे बोर्ड का भी, वो यहाँ आओ और हमारा साथ दो, क्योंकि हम यहाँ पे जो MP वगैरह उनसे भी मिलने के लिए जाएंगे, जैसे प्रोटीलाल जी मीणा जी और दिया कुमारी जी, राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, इनसे मिलने का हमारा प्लान है। तो आप जितना आ सको अदर बोर्ड के लोग जितना आ सको वो आने की पूरी कोशिश करें। और ये लड़के हमारे 3 दिन से यहीं सोते हैं, ये रात में नहीं रुके हैं, और हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, और अगर आज हमारे वापस मिलने के लिए बुलाया, देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन जब तक GM से हम नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। GM को हमारा ज्ञापन देंगे और किसी को नहीं देंगे। कुछ ये जो आप सामने देख रहे हो ये NWR का कार्यालय है, और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि जहाँ तक मांग पूरी नहीं की जाएगी और जहाँ तक ये कैंडिडेट संतुष्ट नहीं हो जाएंगे वहाँ तक इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, चाहे वो कितने भी दिन चले। और इनका कहना है सभी कैंडिडेट का कि जो किसी भी बोर्ड का हो, बोर्ड से ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 100% वेटिंग से क्लियर करवानी है। तो उसके रिगार्डिंग जो राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको NWR पहुंचना चाहिए इनको कैंडिडेटों का साथ देने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर अच्छी खासी डिमांड हो जाती है तो आप सभी को बेनिफिट होगा। और आज हम किरोड़ी लाल जी मीणा जी से और दिया कुमारी जी से, और उसके बाद में कल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर जो जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं उनसे मिला जाएगा, और उसके बाद में कल ही सीकर निकलेंगे हम सभी साथियों के साथ, जो सुमेधानंद सरस्वती जी हैं अब मेरे के लिए मोटिवेशन, उनसे भी मिलने के लिए भी जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। अब आप सर GM सर से मिलना चाहते हैं।